सो हे गाइस, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं अवनीश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिलिट्री एंड साइंस स्कूल अपडेट्स में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैनिक स्कूल बीजापुर के बारे में। यस गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सैनिक स्कूल कोडागु वाली वीडियो में बताया था कि कर्नाटका में दो सैनिक स्कूल हैं एंड दो मिलिट्री स्कूल, तो उसमें से मैंने एक सैनिक स्कूल के बारे में आपको बता दिया है। अगर आप उस स्कूल के बारे में जानना चाहते हो तो आपको जो है आपको हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएगा, जाकर वहाँ से वॉच कीजिए अभी के अभी। एंड अब जो मैं बताने वाला हूँ सैनिक स्कूल बीजापुर के बारे में कि कैसा स्कूल है, इसकी भी एवरेज मेरिट कितनी जाती है, पढ़ाई कैसी होती है एंड स्कूल किसके किसके लिए है, किसका एडमिशन एक्सेप्ट करता है वगैरह, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, एकदम ही आपको मैं जेन्युइन पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो इस हिसाब से ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले सैनिक स्कूल बीजापुर जो कि कर्नाटका में ही लोकेटेड है एंड ये जो है कर्नाटका में दूसरा सैनिक स्कूल है जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का ही एडमिशन लेता है। एंड ये स्कूल 16 सितंबर 1963 को इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये 33 सैनिक स्कूलों में से जिस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था ये 13th स्कूल था, मतलब 13वां स्कूल था 33 सैनिक स्कूलों में से। अभी 33 हैं लेकिन ये 13वां स्कूल था जिस टाइम पे ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इसका मोटो है अजीत ही अभीत है, अजीत ही अभीत है, ये हिंदी वर्ड में और एक नारा टाइप का भी है, तो इसे हम ये इसका मोटो है। एंड इसके प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल दोनों ही वुमेन हैं। तो चलिए नाम जान लेते हैं इनके। प्रिंसिपल हैं ग्रुप कैप्टन प्रतिभा बिष्ट, ग्रुप कैप्टन प्रतिभा बिष्ट। एंड वाइस प्रिंसिपल हैं कमोडोर सुरुचि गौर। एंड फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो फैसिलिटीज़ इसमें आपको वही मिल जाती हैं जो कि हर एक सैनिक स्कूल में आपको मिलती है। यहाँ पर आपको हॉस्टल, यानी कि मैंने आपको बताया हॉस्टल में क्या क्या होता है, अच्छे खासे पंखे वगैरह होते हैं, एसी होती है या कूलर होता है, वो उसके मॉडरेट जो होता है उस हिसाब से होता है। अगर वहाँ पे ठंडा इलाका है तो एसी नाम की आपको चीज़ नहीं मिलेगी, और अगर कुछ ज़्यादा ही गर्मी है तो हो सकता है कि इस स्कूल में फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल में ये अवेलेबल होता है। एंड बात की जाए इसके और फैसिलिटीज़ में हॉस्टल्स में, तो यहाँ पर आपको मेस मिल जाता है जिसमें आपको खाने को मिल जाता है एंड खाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, खाना बहुत ही परफेक्ट एकदम अच्छा मिलता है, कोई शिकायत जो है आपको करने को नहीं मिलेगी। एंड क्लोथ्स वगैरह जो भी यूनिफॉर्म वगैरह होता है स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह एंड खेलने का जो ड्रेस होता है अलग से एंड बाकी बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग के लिए होते हैं, पीटी के लिए होता है, तो वो सब आपको स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। एंड अब बात करते हैं लास्ट के इसके फैसिलिटीज़ में स्टडी मटेरियल, तो वो भी आपको मिल जाता है जैसे कि बुक्स वगैरह, पेन वगैरह, ये सब स्टडी मटेरियल में आता है, तो ये सब आपको मिल जाता है। एंड ट्यूशंस एंड स्कूलिंग वगैरह ये सब तो आपको मिलता ही मिलता है, आपको जो है मेन पर्पज़ तो पढ़ाई के पर्पज़ से भेजा जा रहा है वहाँ पर, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इसमें। एंड एरिया इसका 400 एकड़ के लगभग 400 एकर्स है, तो स्कूल बहुत ही बड़ा है, आराम से आप खेल सकते हैं। एंड स्कूल जो है बहुत ही अच्छा आपको फिट भी रखेगा एकदम, एंड यही नहीं सारे स्कूल ही आपको एकदम फिट रखते हैं, कोई आपको जो है इसमें दिक्कत नहीं आती है। एंड ये स्कूल तो मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया है, तो चलिए जान लेते हैं इसकी फ़ीस कितनी है। क्लास सिक्स के लिए फ़ीस है 1,38,441 रुपीज़ एंड क्लास नाइन्थ के लिए 1,41,229 रुपीज़। एंड बात जानते हैं कि इसके बोर्ड कौन सा है, तो बोर्ड है CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये स्कूल बोर्डिंग स्कूल है एंड रेजिडेंशियल टाइप है। तो इसकी अब जान लेते हैं लास्ट आपका एकदम मेन एंड इम्पॉर्टेंट सवाल, इसकी एवरेज मेरिट कितनी जाती है। तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसकी एवरेज मेरिट जो है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो मेरिट है वो किसी भी होम स्टेट के लिए नहीं, किसी भी अदर स्टेट के लिए नहीं, ये सब के लिए है, जो कि अभी मैं ओनली जनरल की बता रहा हूँ। बाकी अगर आप कंपेयर करेंगे, आपको अगर और भी डिटेल में चाहिए होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जो है 205 मार्क्स 300 में से अगर आप ला लेते हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। एंड जो बाकी ये
SC, ST, OBC वगैरह ये सब है, तो इन सब के लिए और कम होगा। जनरल सबसे हाई होता है, सबसे जनरल में आपको मार्क्स सबसे हाई देखने को मिलता है, तो 205 मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST से हैं तो इससे अगर कम भी थोड़ा लाते हैं, 10-5 नंबर, ज़्यादा नहीं 10-5 नंबर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वेटिंग लिस्ट में भी आते हैं तो आपका जो पूरा वेटिंग लिस्ट में आया है तो कंफर्म है कि आपका एडमिशन होना है। और वैसे वेटिंग लिस्ट का कभी कभी भरोसा भी नहीं रहता है, कभी कभी तो दूसरे बच्चों का हो जाता है या फिर नहीं भी हो पाता है, तो उसके चक्कर में ना रहिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये वेटिंग लिस्ट में ये इतने नंबर वाले बच्चे नहीं जाते हैं। तो अगर 205 मार्क्स लाते हैं तो यहाँ फॉर्म भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। तो एक बार भर के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा स्कूल है, और भले साउथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना अगर आप खर्चा, ट्रैवल का खर्चा वगैरह ये सब अफोर्ड तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इतना सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बता दिया स्कूल के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर इंस्टेंट आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट सोल्यूशन दे सकता हूँ, आप मेरे को मैसेज ज़रूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी या फिर जैसे भी लगी कमेंट करना। तो आई होप आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया तो लाइक करना। मिलते हैं किसी और ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।